हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आप सभी का बाइक बोन के एक और नए और एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामाहा R15 V3 के ABS वाले वेरिएंट के बारे में। तो चलो दोस्तों, फटाफट से बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले यामाहा ने अपनी R15 के V3 वाले वेरियंट को लॉन्च किया था, और अभी लॉन्च हुए बाइक को जो है कुछ टाइम ही हुआ है कि इस बाइक के अंदर काफी बड़ा और काफी इम्पोर्टेंट जो अपडेट सामने निकल के आ रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है कि 1 अप्रैल 2019 से 125 cc से ऊपर की सभी बाइक्स के अंदर जो ABS मैंडेटरी होने वाला है, तो जिसको लेकर सभी कंपनियां जो अपनी बाइक्स में जो अपडेट कर रही है फटाफट से, जो ABS ला रही है 2019 मॉडल, मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनियां ना, जो जो 150 cc या उससे ऊपर की जो जो बाइक्स है, मतलब 150, मोस्टली 150 से 200 के बीच, उन सभी के अंदर अब जो ABS आ रहा है, कुछ एक आधा ही बची है उनके अंदर भी, जो कंपनियां मतलब प्रोसेस में फटाफट से आ जाएगा। और अब हम बात करते हैं यामा R15 की। तो जी हाँ दोस्तों, इस बाइक के अंदर आपको जो अब ABS मिलेगा, और इसके साथ ही इस बाइक के जो एक स्पेशल कलर को जो है लॉन्च किया कंपनी ने, जिसे नाम दिया गया डार्क नाइट। तो आप जो है ये कलर भी ले सकते हैं अब R15 V3 के अंदर, जो कि जिसके लिए आपको जो लगभग 2000 रुपये जो है एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और बात की जाए अगर प्राइस की, तो इस बाइक की जो एक्स शोरूम प्राइस रखी गई है, यानी कि जो ABS वाला वेरिएंट है R15 का, उसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है लगभग 1,39,000 रुपये, जबकि अगर आप लेते हैं डार्क नाइट वाला वेरिएंट तो आपको देने पड़ेंगे लगभग 1,41,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस। तो कुल मिला के आपको 1,55,000, 1,60,000 तक की ये बाइक आपको जो पड़ेगी। तो काफी अच्छा फीचर है, इम्पोर्टेंट फीचर है ABS आपको जो एक पहले एक तो ये बाइक वैसे पॉपुलर है, खासकर जो V3 जो वेरियंट आया था ना, उसके बाद वो काफी पॉपुलर होती है, क्योंकि एक तो वैसे स्पोर्ट्स थोड़ा सा लुक भी देती है, पावर भी ठीक ठाक दे देती है, इंजन भी ठीक ठाक है, तो बाइक काफी सही है। इसका जो अभी मेन कंपटीशन चल रहा है वो चल रहा है KTM Duke 125 के साथ। और अगर बात की जाए स्पेसिफिकेशंस की, तो इस बाइक के अंदर आपको मिलता है 150 cc का इंजन, जो कि आपको देता है 18.2 BHP की पावर और 15 Nm की मैक्सिमम टॉर्क। और दोस्तों, इस बाइक के अंदर आपको मिलता है लिक्विड कूलिंग सिस्टम। और अगर बात की जाए ब्रेक की, तो इस बाइक के फ्रंट में आपको मिलता है 28.2 सेंटीमीटर का डिस्क ब्रेक, और रियर में आपको मिल जाता है 22 सेंटीमीटर का डिस्क ब्रेक। और साथ ही दोस्तों, आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं ट्यूबलेस टायर्स विद अलॉय व्हील्स। और अगर बात की जाए टायर्स की, तो इस बाइक के फ्रंट में आपको मिलता है 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर मोटा टायर, और रियर में आपको मिलता है 14 सेंटीमीटर चौड़ा और 9.8 सेंटीमीटर मोटा टायर। और साथ ही इस बाइक के फ्रंट और रियर में आपको मिल जाते हैं 17 इंच के व्हील। और दोस्तों, अगर बात की जाए ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इस बाइक के अंदर आपको मिलता है 17 सेंटीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि काफी सही है। एक तो स्पोर्ट्स बाइक भी है, लुक उसका बिल्कुल काफी वैसे, अगर आप भी शौकीन है तो आप इस बाइक को ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया पावर भी ठीक ठाक है, ग्राउंड क्लियरेंस भी 17 सेंटीमीटर का मिल रहा है, तो जो है थोड़े मोटे ऑफ रोड पे भी ये ठीक ठाक चल ही लेगी। इसके अलावा जो दोस्तों इस बाइक के अंदर आपको मिलता है 11 लीटर का फ्यूल टैंक, जो कि आपको देता है लगभग 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। तो माइलेज भी ठीक ठाक ये बाइक जो आपको दे ही देती है। बाकी अभी ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ABS आने के बाद क्या बाइक की डिमांड बढ़ती है या फिर जैसी चल रही है वैसी ही चलती है। जो भी इसके बारे में अपडेट्स होंगे आपको जो आने वाली वीडियोस में मिल जाएंगे। इसके अलावा काफी सारे आपको जो कंपेरिजन भी देखने को मिलेंगे, तो फटाफट से जाके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। साथ ही इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए वीडियो को भी शेयर कर दो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कुछ भी करो यार, आपका अपना चैनल है, कुछ भी करो। कुछ क्वेश्चन हो यानी क्वेरी हो वो भी आप कमेंट में जो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।